जंक फूड होता है जो खाने में स्वादिष्ट होता है लेकिन कोई भी पोषक तत्व उसमें उपस्थित नहीं होता। बहुत कम पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उनसे मनुष्य की भूख तो मिट जाती है लेकिन उसको कोई उससे ऊर्जा या फिर कोई पोषक तत्व उसको प्राप्त नहीं होते, इसलिए उसमें लोगों से लड़ने की क्षमता आए। तो इन सबसे बचने के लिए, और मिलावट में भी लोग इस तरह की मिलावट करते, जैसे मिर्ची के पाउडर में ईंट का पाउडर मिला दिया, तो ये मिर्ची के पाउडर की क्वांटिटी तो बढ़ा देगा लेकिन इसकी क्वालिटी कम कर देगा। तो इन सब से बचने के लिए अपने को वही भोजन ग्रहण करना है जो शरीर के लिए ऊर्जा दे, शरीर की मरम्मत उसकी रक्षा का कार्य करे, रोगों से लड़ने की क्षमता दे, इस प्रकार का भोजन संतुलित भोजन अपने को ग्रहण करना है। तो अपने को पता होना चाहिए कि पेय पदार्थ से नुकसान क्या होते हैं, जंक फूड से नुकसान क्या होते हैं, मिलावट क्या होती है, मिलावट क्या होती है। तो मैंने आपको बता दिया, भोज्य पदार्थों के साथ कोई अन्य पदार्थ, अन्य अनुपयोगी पदार्थ उसके साथ मिला दिया जाता है तो इस प्रकार का जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, मिलावट। मिलावट से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पेय पदार्थ जो होता है, जैसे सिंथेटिक पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, इन सब में भी बहुत सारे अम्ल होते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, जंक फूड होता है। अब इससे नुकसान क्या है कि शरीर में क्या होता है, अपाच्य वसा की मात्रा बढ़ जाती है, जो अपचित वसा होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अनावश्यक मोटापा शरीर में बढ़ जाता है और बहुत सारे रोग, व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, बहुत सारे रोगों का जन्म उसके शरीर में हो जाता है। ये सारे दुष्प्रभाव है जंक फूड, इससे कोई पोषक तत्व भी नहीं मिलता है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी नहीं आती, लेकिन फिर भी वर्तमान युग में इस भोजन की तरफ लोगों का सबसे ज्यादा आकर्षण है। तो इस प्रकार की जागृति फैलाने का श्रेय इस पाठ का है कि भोजन कौन सा शरीर के लिए उपयोगी होता है और मानव स्वास्थ्य पर इस भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है, यदि हम संतुलित भोजन नहीं लेंगे तो उसका क्या प्रभाव मानव शरीर में पड़ेगा। पेय पदार्थ भी नुकसानदायक होते हैं, जंक फूड भी नुकसानदायक होते हैं, भोजन में जो मिलावट की जाती है वो भी शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। अब जिस प्रकार आपने मोटापे की बात की, तो शरीर में वजन के हिसाब से अगर अपन देखें तो मोटापा 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तक यदि किसी व्यक्ति का वजन है तो यह मोटापा की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन 25 किलोग्राम से ज्यादा हो इसका मतलब धीरे धीरे मोटापा ही और बढ़ रहा है, और लेकिन 30 किलोग्राम से ज्यादा हो गया इसका मतलब व्यक्ति में मोटापा है जो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, इससे व्यक्ति की चलने फिरने की क्षमता खत्म हो जाती है, बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो जंक फूड पेय पदार्थ और मिलावट के कारण उत्पन्न होता है। अब मिलावट में भी कई ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे चिकनाई होती है, तेल होता है जो बहुत सारे तेलों को मिक्स कर दिया जाता है, अरंडी के तेल होते हैं जिसमें खाद्य पदार्थ वाले तेलों में उसको मिक्स कर दिया जाता है, तो बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में, जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर, जिसको अपन रक्तचाप बोलते हैं, ये रक्तचाप खाद्य पदार्थों में सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि जिस पदार्थों की जरूरत होती है वह शरीर को नहीं मिल पाते हैं, जिससे शरीर की जो हृदयवाहिनियां होती है, जो रक्त की वाहिनी होती है, उसमें अनावश्यक पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे उनका जो मार्ग होता है वो संकरा हो जाता है, तो ब्लड तेज गति से बहता है फिर धीमी गति से बहने लग जाता है, इस प्रकार व्यक्ति का ब्लड प्रेशर है या तो लो हो जाता है या फिर हाई हो जाता है। अब हाई और लो होने का पता कैसे चलता है, इसके लिए एक उपकरण बनाया गया है जिसको अपन रक्तचाप मापी कहते हैं, और रक्तचाप मापी को इंग्लिश में स्पाइगो मैनोमीटर भी कहते हैं, रक्तचाप मापी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइगो मैनोमीटर। इससे 120/80 जिसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब भी बोलते हैं, यदि किसी का ब्लड प्रेशर 80 mm से नीचे है, इसका मतलब वो किस रोग का शिकार है, लो ब्लड प्रेशर, और यदि किसी का ब्लड प्रेशर 120 mm से ज्यादा है, 120 mm से ज्यादा है, इसका मतलब वो कौन से ब्लड प्रेशर का शिकार है, हाई ब्लड प्रेशर का। यानी यदि किसी का ब्लड प्रेशर 80 से 120 के बीच में है तो वह ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन 120 से ज्यादा हो जाता है, 80 से कम हो जाता है, तो फिर हाई और लो ब्लड प्रेशर की श्रेणी में आ जाता है। इसको मापने का यंत्र रक्तचाप मापी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइगो मैनोमीटर। दूसरा, आजकल जो नशीले पदार्थ होते हैं जिसको अपन मादक पदार्थ भी कहते हैं, इनका भी वर्तमान युग में सबसे ज्यादा प्रचलन है,
बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं शरीर के लिए, इससे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। नशीले पदार्थों में तंबाकू आती है, शराब आती है, गुटखा आता है, अफीम आता है, ये सारे पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए उसके तंत्रिका तंत्र को कमजोर करते हैं, जिससे कि शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। और इन सब पदार्थों में जैसे अफीम है, इसमें एक पदार्थ पाया जाता है एल्कलॉइड, जो शरीर के लिए क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, जो शरीर की क्रियाएं हैं, भोजन को पाचन करने की जो पाचन क्रियाएं हैं, उन सबको धीमी कर देता है और शरीर का नियंत्रण हो जाता है, जिससे कि व्यक्ति के साथ बहुत सारी घटनाएं घटित हो जाती है। गुटखा भी एक मादक पदार्थ की श्रेणी में आता है, शराब इसी श्रेणी में आता है, तंबाकू भी इसी श्रेणी में आता है। इन सब पदार्थों की वजह से शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान होते हैं, जैसे गुटखा को चबाने से, तंबाकू को चबाने से कैंसर से भयानक बीमारी हो जाती है, इसका कोई इलाज नहीं। गुटखा के सेवन से एक रोग शरीर में हो जाता है, जिससे जबड़े पूरी तरह से नहीं खुल पाते हैं, जबड़ों में खिंचाव आ जाता है, दांतों की शेप बिगड़ जाती है, मुख के अंदर बहुत सारे छाले हो जाते हैं, रक्त बहने लगता है, सारे मुख की शेप बिगड़ जाती है। इस प्रकार से जो रोग होता है, इसमें उपस्थित ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे नशीले पदार्थ होते हैं जिनसे शरीर का नुकसान होता है। और सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होते हैं, इस गुटके के सेवन से जो शरीर में रोग होता है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि गुटके के सेवन से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये वाला रोग गुटके के सेवन से होता है। शराब के सेवन से आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक नुकसान तो होता ही है, व्यक्ति की रेपो जो होती है वो चली जाती है, समाज में उसका स्थान गिर जाता है और उसके शरीर का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उसका नियंत्रण समन्वय हो जाता है, वो कोई भी निर्णय लेने में समर्थ नहीं रहता है। अगर शराब पीकर वाहन चलाते तो बहुत सारी दुर्घटनाएं घटित होने की संभावना भी रहती है। जैसे इससे क्या होता है, व्यक्ति अपना निर्णय खुद का, उसका जो मस्तिष्क होता है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, उसमें आवेगों का संचरण धीमा हो जाता है, जिससे सूचनाएं लेट पहुंचती है और व्यक्ति को ये अंदाजा नहीं लगा पाता है कि अपन इस दुर्घटना से कितनी दूर है, या अपने अगले वाहन की और अपने बीच में कितनी दूरी है, इस दूरी का अंदाजा नहीं होता, दुर्घटना से घटित हो जाता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ में साथ उसका खुद का शरीर का भी नुकसान होता है। इस प्रकार अपने चर्चा की इस पार्ट के बारे में, जो कुछ टॉपिक अब बचे हैं उनको भी अपन आगे से आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, आगे वाले टॉपिक में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में भी आया होगा और ये शारदा बाल निकेतन की पहल के अनुसार इस विद्यालय के अच्छे शिक्षकों और इस संचालक महोदय के इस समन्वय से आज आप लोगों के सामने हम लाइव क्लासेस भी चला रहे हैं, इसका फायदा आपको जरूर होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल से जुड़े और इस शिक्षा के जो क्षेत्र में हम अग्रणी कार्य कर रहे हैं उसमें अपनी सहायता हमें प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्कार।